हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्या राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। आपको पता होना चाहिए कि राइट टू लाइफ पहले बोलता क्या, आर्टिकल 21 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि इससे हमें मिलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। पहली चीज, नो पर्सन, ये देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक नेगेटिव राइट है, यानी कि ये लोगों को रोकता है किसी और का राइट इन्फ्रिंज करने से। सेकेंडली, नो पर्सन, पर्सन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सिटीजन, नॉन सिटीजन, ज्यूरिस्टिक बॉडीज, सभी को ये राइट अवेलेबल है आज की डेट में। अब ये रीड डाउन हम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। पहले, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि आपको जो राइट टू लाइफ दिया जा रहा है उसका एक्सेप्शन भी यहीं पर एस्टैब्लिश है कि सिर्फ इसका एक ही एक्सेप्शन हो सकता है, जो कि है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मूविंग फॉरवर्ड, अब डिबेट क्या है आज की डेट में? डिबेट ये है कि इसमें दो मुद्दे उठते हैं। सुइसाइड से रिलेटेड मुद्दा बहुत सुनने में आता है, दूसरा था यूथनेशिया से रिलेटेड मुद्दा, कि अगर इंसान के पास अपनी जिंदगी का हक है, राइट टू लाइफ है आपके पास, तो क्या आपके पास राइट टू डाई है कि नहीं है। कहते हैं कि इफ़ यू हैव राइट टू स्पीच, यू ऑल्सो हैव राइट टू रिमेन साइलेंट। इफ़ यू हैव राइट टू डू बिजनेस, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव द राइट टू नॉट डू अ बिजनेस। यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, अगर उनका एक पॉजिटिव राइट है तो उसके साथ साथ एक नेगेटिव राइट फॉलो करता है। अब इस तरीके से अगर एक एनालॉजी ड्रॉ की जाए तो राइट टू लाइफ, जो कि एक पॉजिटिव राइट है, क्या इससे ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा कि राइट टू डाई और राइट टू टर्मिनेट वंस ओन लाइफ और राइट टू नॉट लिव फॉलो करता है कि नहीं करता है, पूरी डिबेट इस बारे में। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 309 आईपीसी का क्या बोलता है? सेक्शन 309 आईपीसी का पहली चीज़ तो क्रिमिनलाइज करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड को। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई अटेम्प्ट करेगा, अगर उसका कमीशन हो गया, तो उस इंसान की डेथ हो जाती है। तब आप उस एक्ट को जिसका कमीशन हो चुका है उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ सुसाइड के अटेम्प्ट को क्रिमिनलाइज कर सकते हैं, यानी जिस इंसान ने एक पॉइंट पे जाके सुसाइड अटेम्प्ट करी है उसको क्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। नाउ लेट अस रीड कि वो बोलता क्या है। हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड और डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन और बोथ। नाउ अगर किसी इंसान ने सुइसाइड कमिट की, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत जनरल से है कि शायद वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा होगा, तो क्या ऐसी स्थिति में उस इंसान को सज़ा देना, 1 साल की सज़ा या फाइन और बोथ, वो देना सही है? इसके ऊपर बहुत डिबेट्स आई हैं और इसी के ऊपर कुछ जजमेंट्स और प्रोनाउंसमेंट्स हैं आज की डेट में। और हमें ये देखना है कि क्या ये सेक्शन आज भी वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी सेक्शन या कोई भी ऐसा लॉ या लेजिस्लेशन होता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, उसे अल्ट्रा वायस बोल दिया जाता है। बट आर्टिकल 21 भी आज के डेट में एग्जिस्ट करता है और आर्टिकल सेक्शन 309 आईपीसी भी आपको देखने के लिए मिलता है। लेट्स सी आज की डेट में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू इसकी क्या सिचुएशन है। पहली जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो आई थी वो आई थी मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। अब इस केस में होता क्या है, एक कांस्टेबल थे, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी बाय पोरिंग ऑन सम लाइक बाय ट्राइंग टू बर्न हिमसेल्फ। अब उस केस में उनको 1 साल की सज़ा होती है, उनकी वाइफ ये केस लड़ती हैं और उस केस में ये जजमेंट आता है कि एक लॉ जो आप ला रहे हैं फॉर द डेटरेंस ऑफ द एक्ट ऑफ सुइसाइड, अगर वो डेटरेंस आप करना चाह रहे हैं, डेटरेंस यानी इसको रोकना चाह रहे हैं, उस रोकने के लिए क्या उस इंसान को सज़ा देना जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रेस की सिचुएशन से गुजर रहा है, क्या वो सही है? तो इस केस में, दैट इज़ मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, बोला गया कि सेक्शन 309 इज़ अल्ट्रा वायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14। लेट इज़ रीड डाउन यहाँ पे भी क्या लिखा है। हमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में यहाँ पे बात करनी है और साथ साथ ये जजमेंट ओवर रूल हो चुका है आज की डेट में। अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आता है, अभी रिसेंटली आया है, उसमें आपका एक अमेंडमेंट है, उससे क्या बात होती है। उसमें ये बोला गया है कि कोई भी इंसान जो सुइसाइड कमिट करता है अंडर सेक्शन 309, अटेम्प्ट करता है, वो कोशिश करता है, उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते।
हम ये मान के चलेंगे कि वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस फेस कर रहा था और सरकार की ड्यूटी है उस पॉइंट पे गवर्नमेंट की कि वो उनके लिए काम करें, उसकी मदद करें या उसको जहाँ पे भी जो भी सुविधा प्रोवाइड करनी है, रिहैबिलिटेट करना है वो करें ताकि उस सिचुएशन से वो बाहर आ पाए, ना कि हम उसे क्रिमिनलाइज करके उसे सजा देंगे। आज की डेट में ये रूल है। ठीक, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, हमने पढ़ लिया कि मारुति श्रीपति दुब्बल जी के केस में क्या हुआ, सेक्शन 309 को अल्ट्रा वायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। मूविंग फॉरवर्ड, फिर आता है पी राथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ऊपर वाली ही बात को दोहराया जाता है। यहाँ पे यही बात बोली गई क्योंकि राइट, इन्होंने वही एग्जाम्पल दिया, सारे पॉजिटिव राइट्स का एक नेगेटिव राइट फॉलो डाउन करता है, जैसे कि वही स्पीच वाला एग्जाम्पल, स्पीच एंड रिमेनिंग साइलेंस, डूइंग बिजनेस एंड नॉट डूइंग बिजनेस, मूविंग नॉट मूविंग, वो बात इन्होंने बोली। इस तरीके से उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू नॉट लिव और राइट टू टर्मिनेट वन्स ओन लाइफ और मूविंग फॉरवर्ड विद राइट टू डाई, ये बात बोली गई। इसीलिए अगेन उन्होंने बोला कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये लीगली वैलिड नहीं है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ सेक्शन प्रोवाइडेड आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 दोनों को इन्फ्रिंज करता है। बेसिकली मारुति श्रीपति दुब्बल वाली बात रिपीट करी गई फिर से। अब इसमें हमने अभी पढ़ा, डिविजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। नाउ कम्स द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये वो केस है जो कि आज की डेट में सुसाइड के बारे में अगर हमें बात करनी हो, यानी क्या आज की डेट में हम अगर बात करें कि अब क्या ग्राउंड रूल है, ये तो हमने बात कर लिया कि सेक्शन 309 अभी तक ये बोला गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अब क्या ग्राउंड रूल है। ज्ञान कौर के केस से वो चेंज प्रोवाइड होता है। ज्ञान कौर के केस में क्या होता है, मिस्टर एंड मिसेस कौर होते हैं, उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करा होता है कि वो अटेम्प्ट कर ले सुसाइड, बेसिकली अबेटमेंट टू कमिट सुइसाइड का केस होता है सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी के अंडर। अब इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दी वो बहुत तारीफ के काबिल है। वो बोलते हैं कि आपने ऊपर पी राथीनाम के केस में बोला है कि किसी के पास भी राइट टू डाई होता है क्योंकि राइट टू लाइफ में वो इंक्लूडेड, मींस राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट है, यही बात हमें फॉलो डाउन करी थी पी राथीनाम से। इन्होंने वही स्टेटमेंट डाला और बोला क्योंकि राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट है और अगर हम अटेम्प्ट मतलब हम अबेट भी कर रहे हैं किसी को सुसाइड करने के लिए तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसे एनकरेज कर रहे हैं कि वो अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करे। मतलब आर्ग्यूमेंट देखिए उस लॉयर की, उसने वो आर्ग्यूमेंट डेवलप किया। अब इस केस में फाइनली कुछ ना कुछ तो कोर्ट को करना था ताकि ये आर्ग्यूमेंट ब्रेक हो सके। उन्होंने बोला सेक्शन 309 दैट इज अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एंड सेक्शन 306 अबेटमेंट दोनों ही वैलिड है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है और सेक्शन 309 को अपहेल्ड किया गया। अब यहाँ पे कोर्ट बोलता है आपकी जो ये आर्ग्यूमेंट है कि एक पॉजिटिव राइट से एक नेगेटिव राइट फॉलो डाउन करता है तो राइट टू लाइफ इज अ पॉजिटिव राइट एंड राइट टू डाई इज ऑल्सो अ पॉजिटिव राइट क्योंकि राइट टू डाई के लिए यू हैव टू डू सम एक्ट, यू हैव टू डू सम एक्ट टू एक्चुअली टर्मिनेट वन्स लाइफ, तो दोनों पॉजिटिव राइट्स हैं। पॉजिटिव राइट्स से नेगेटिव राइट्स भले ही फॉलो डाउन करते हैं, आपने एग्जाम्पल्स दिए स्पीच साइलेंस वाले, बट पॉजिटिव राइट से दूसरा पॉजिटिव राइट आप कैसे कह सकते हैं कि फॉलो डाउन करता है। और यहाँ पे सेक्शन 309 एंड सेक्शन 306 की वैलिडिटी अपहेल्ड करी गई। तो बेसिकली आज के डेट में हमारा रूल क्या है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक पहली बात तो वैलिड है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है, अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बोलता है कि कोई इंसान जो ऐसी चीज़ कमिट करता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है उसको पनिशमेंट नहीं मिलती इस रूल के अंदर। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, इसको आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज टेक आउट। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या है, हम बात कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ से, फिर हमने उससे एक जो प्रॉब्लम आती है पहले सुइसाइड वाली सेक्शन 309 उसको डिवॉल्व किया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की बात करी, अब आती बात यूथनेशिया की। यूथनेशिया है क्या, यूथनेशिया हैज बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ईयू एंड थैनाटॉस विच मीन्स ईजी डेथ। नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस इफ समबडी इज टर्मिनली इल, वो बहुत टाइम से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है या कोई रिकवरी का चांस नहीं है, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, दे आर गोइंग थ्रू एक्सक्रूएटिंग पेन, वो पेन वो अब बेयर नहीं कर सकते, उस केसेस में अगर जहाँ पे किसी की कोई रिकवरी का चांस है या फिर जो उसकी ज़िंदगी है वो ही मौत से बदतर है अगर हम इसको टर्मिनेट करना चाहें तो वहाँ पे जो टर्मिनेशन ऑफ लाइफ होता है उसको यूथनेशिया बोलते हैं। ठीक,
नाउ यूथनेशिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते, गुजारिश मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पे जिस स्टेट में ऑलरेडी ऋतिक रोशन था उससे और ख़राब स्टेट की तरफ अगर हम थोड़ा बढ़ते हैं तो वहाँ पे यूथनेशिया की बात करी जा सकती है। नाउ आपको यूथनेशियल टूरिज्म पता होगा, इंडिया में नहीं अलाउड है यूथनेशिया, जब तक नहीं था, बट बहुत से देश हैं जो अलाउ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग उस जूरिस्डिक्शन में जाते हैं बाहर अपनी लाइफ टर्मिनेट कराने जहाँ पर यूथनेशिया परमानेंट है। ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड इसके टाइप्स। अब यूथनेशिया के 5 टाइप्स हैं, एक्टिव, पैसिव, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड नॉन वॉलेंटरी। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव यूथनेशिया हम उसको बोलते हैं वेयर द लीगल मेडिकल प्रोफेशनल समबडी डज एन एक्ट, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ऐसा कुछ करता है ताकि उस इंसान जो कि टर्मिनली इल है उसकी लाइफ को टर्मिनेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई लीथल इंजेक्शन देना, ये सबसे इजी एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा कि जॉन वेन गेसी को कैसे डेथ दी गई थी, उनको एक बेड पे लिटाया गया था, शॉक वाले बेड पे। मींस कुछ एक्ट किया गया जिससे कि जिस अभी उनकी जो लाइफ चल रही है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया, कुछ एक्ट करना जिससे वो ख़त्म हो जाए, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में किसी के साथ नहीं करते हैं। ठीक, एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? जहाँ पे कोई एक्ट जो कि कोई ओमिशन किया जाए, वो ओमिशन जो कि एक इंसान को जिंदा रखने के लिए उस स्टेट में ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लीजिए कि कोई वेंटिलेटर पे, आपने उसका वेंटिलेटर ऑफ कर दिया, कोई मेडिसिन दे ही नहीं है, लाइफ एक्सटेंडिंग मेडिसिन आपने वो बंद कर दी, फूड पाइप है आपने वो फूड पाइप हटा दिया, बेसिकली आपने कोई उमिट किया है, कोई एक्ट जो अभी तक आप करते आ रहे थे, आपको करना ज़रूरी था उस इंसान को ज़िंदा रखने के लिए। ये था एक्टिव एंड पैसिव। फिर आते हैं वॉलेंटरी यूथनेशिया। वॉलेंटरी यूथनेशिया कब होता है? जब जिसकी लाइफ आप टर्मिनेट करने वाले हैं वो इंसान अपनी कंसेंट देता है, बाय कंसेंट कहता है या फिर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मैं बहुत परेशानी में हूँ, आप मेरी लाइफ टर्मिनेट कर दीजिए, यानी कंसेंट दी जाती है यहाँ पे। ठीक, इनवॉलेंटरी यूथनेशिया क्या पे होता है? कहाँ पे होता है? इनवॉलेंटरी, IN, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। व्हेन अ पर्सन हु हैज़ द कैपेसिटी टू गिव हिज कंसेंट बट एट द सेम टाइम आइदर हिज कंसेंट वॉज नॉट आस्क्ड और व्हेन ही रिफ्यूज टू गिव कंसेंट और इफ ही हैज गिवन द कंसेंट इट वॉज एनी वे अवॉइडेड और उनकी कंसेंट को मान्यता नहीं दी गई, यानी कि वो कंसेंट देने की स्थिति में थे बट फिर भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, या तो देने से अपनी कंसेंट नहीं दी या फिर उनकी कंसेंट पूछी नहीं गई। ये हो गया इनवॉलेंट्री, जहाँ कंसेंट देने की स्थिति में थे बट नहीं दी इंसान ने, जो भी आगे की बात आप देख सकते हैं। नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया क्या होता है? नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया वहाँ पे होता है जहाँ पे इंसान कंसेंट देने की स्थिति में ही नहीं है, यानी कि वो अभी अवेलेबल ही नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, मे बी इज बेड रिडन, ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट इवन मेक जेस्टर्स टू मेक इट अवेलेबल टू द नेक्स्ट पर्सन कि वो चाहते कि उनकी लाइफ टर्मिनेट कर दी जाए, यानी कि वेन द पर्सन इज नॉट इन अ कंडीशन टू गिव हिज कंसेंट, दैट इज नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया। अब आपको यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ हमारे राइट टू लाइफ है, अभी हमने पढ़ा कि राइट टू डाई नहीं है क्योंकि हमने अभी सुसाइड की बात करी, बट ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई, यहाँ पे तो डिग्निटी की भी बात आती ना, क्योंकि वो इंसान इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसके लिए शायद मौत ज़्यादा बेटर है ज़िंदगी से। अब इंडिया में इसका क्या स्टेटस है यूथनेशिया का, लेट्स सी। इस कंडीशन को डिस्कस करने के लिए दो सबसे बड़े केस लॉज जो आज के डेट में हमारे पास हैं, पहला केस लॉ अरुणा रामचंद्र शानबाग का एंड सेकेंड है कॉमन कॉज। बट कभी भी अगर हम बहुत लैंडमार्क केस लॉ की बात करेंगे तो हम अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस लॉ के बारे में बात करेंगे। होता क्या है इस केस में, ये अरुणा जी जो होती हैं एक नर्स थी एक हॉस्पिटल में, आई थिंक किंग एडवर्ड हॉस्पिटल नाम था उसका मुंबई में, वहाँ पर इन्होंने एक वार्ड बॉय को डांटा। आफ्टर दैट द वार्ड बॉय डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ टेकिंग रिवेंज। एक दिन शी वॉज चेंजिंग बिकॉज शी वॉन्टेड टू गो बैक होम, वो चेंज कर रही होती हैं, ये वार्ड बॉय पीछे से आता है, ही स्ट्रैंगुलेटेड हर विद अ चेन, स्ट्रैंगुलेटेड मतलब उनके गले पे चेन बांधी, उनकी सांस रुक गई, ही असॉल्टेड हर, ही कमिटेड सोडोमी ऑन हर। उस केस में जब वो पूरा एक्ट हो रहा था और वो स्ट्रैंगुलेटेड थी तो उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और उस वजह से वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, यानी कि शी वॉज इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब प्रॉपरली बेड रिडन थी वो बोल नहीं पाई जिंदगी में। ये केस जाता है कोर्ट के पास, उस इंसान को सजा होती है, ये बेड रिडन है। अब किंग एडवर्ड हॉस्पिटल इनको अडॉप्ट कर लेता है, एक तरीके से हम बोलेंगे इनको एक परमानेंट बेड दे दिया जाता है। इनकी डेथ, अभी आप एक बात समझिएगा, इनकी डेथ और इस एक्ट के बीच में 42 ईयर्स का आई गेस 40 प्लस ईयर्स या 42 ईयर्स का गैप था,
यानी कि ये 42 इयर्स तक इस कंडीशन में, इतनी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में रही हैं, जबकि वो इंसान जेल गया, छूट गया, सब हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस इज, पिंकी वीरानी जी थी, उन्होंने देखी इनकी सिचुएशन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी इनके लिए कि अरुणा जी के लिए कि इनको यूथनेशिया अलाउ किया जाए. अब यहाँ पे जो यूथनेशिया अलाउ होता वो होता पैसिव यूथनेशिया. व्हाई? बिकॉज कोई एक्ट, क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी चल रही थी, शी वॉज इन वेंटिलेटर, मे बी सम सपोर्ट सिस्टम, वो हटा दिया जाता तो पैसिव यूथनेशिया होता. नाउ द केस वॉज, पिंकी वीरानी जी ने ये पिटिशन फाइल करी, उन्होंने बोला कि इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, ऐसा ऐसा है. अब कोर्ट इनसे पूछता है कि ऐसे केसेस में आइदर अ पेरेंट, अ स्पाउस और अ नेक्स्ट फ्रेंड कैन फाइल द पिटिशन, आप क्यों फाइल कर रहे हैं, इनसे वो बात पूछी जाती है. नाउ द व्हाट हैपेंस इज, द कोर्ट अपॉइंट्स किंग एडवर्ड हॉस्पिटल जहाँ पे ये थी, उसको एज अ नेक्स्ट फ्रेंड टू दिस अरुणा रामचंद्र शानबाग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज, व्हाट हैपेंस, एक कमिटी अपॉइंट की जाती है डॉक्टर्स की, उनसे बोला जाता है कि आप चेक करिए कि क्या रिकवरी के चांसेस हैं नहीं हैं. तो फाइनल रिपोर्ट ही आती है कि रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है, बहुत ख़राब सिचुएशन में, कुछ नहीं हो सकता अब. बट देन व्हाट हैपेंस, ये जो नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल की, वो लेटर लिखती हैं सुप्रीम कोर्ट को, बोलती हैं कि हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे, वी वॉन्ट कि वो नेचुरल डेथ ही उनके पास आए, हम उनकी लाइफ इस तरीके से टर्मिनेट ना करें. सो इस केस में यूथनेशिया नहीं अलाउ किया जाता, डिपेंडिंग अपॉन ये जो लेटर ये सब हुआ. बट इवन दो यहाँ पे यूथनेशिया अलाउ नहीं किया गया, इंडिया में इट इज़ अ लैंडमार्क केस. वाई? क्योंकि इसमें गाइडलाइंस ले डाउन करी गई पहली बार पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करने के लिए. कोर्ट ने बोला कि कभी भी अगर ऐसी कोई पहली बार तो डिसीजन लिया जाएगा तो पेरेंट्स, स्पाउस, नेक्स्ट फ्रेंड ही लेंगे, डॉक्टर ले सकता है जो उस पेशेंट को देख रहा होगा, और ऐसी कोई भी एप्लीकेशन पहले हाईकोर्ट में जाएगी, हाईकोर्ट में एक बेंच फॉर्म होगी दो जजेस की, वो दो जजेस की बेंच जो है एक डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट करेगी, दो या तीन डॉक्टर्स की टीम होगी आई गेस, वो टीम रिपोर्ट देगी हाईकोर्ट को, और उस बेसिस पर हाईकोर्ट डिसीजन लेगा. तो बेसिकली ये पूरी गाइडलाइंस आई. उसके बाद हम, आपको पता है आज की डेट में तब से लेकर अभी तक ऐसा यूथनेशिया का कोई केस गया नहीं है कि हम इस पर आगे देखें, बट हमारे देश में पैसिव यूथनेशिया के लिए गाइडलाइंस हैं ओइंग टू द लैंडमार्क केस ऑफ अरुणा रामचंद्र शानबाग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक और केस आता है, कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. कॉमन कॉज इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक, ये जाते हैं, दे अप्रोच द कोर्ट सेइंग कि हम चाहते हैं कि राइट टू लाइफ शुड ऑल, इवन दो इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, नहीं आता उसमें राइट टू लाइफ में, बट इट शुड इंक्लूड राइट टू डाई विद डिग्निटी. तो ये ऑब्वियस सी बात, हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि लोगों की किस तरीके से लोगों की डेथ हुई है, कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कैसे कैसे नदियों के पास लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी. तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी था, बट ये केस उसके बहुत पहले का है, बट अभी के एस्पेक्ट में देखा जाए तो हाँ ये ज़रूरी था. तो उस इस केस में फाइनली कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड ऑल्सो लिविंग विल का कॉन्सेप्ट सामने आया. लिविंग विल है कि एक इंसान पहले ही एडवांस डायरेक्टिव दे सकता है कि कभी उसकी कोई सिचुएशन बहुत ख़राब हो या उसकी तबीयत ना सही हो या वो बोलने की स्थिति में ना हो, कंसेंट देने की स्थिति में ना हो, तो उसका इलाज किस हिसाब से होना है, यूथनेशिया के बारे में बता सकता है. ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो अभी हमने देखा, वहाँ पे 2017 का जो हमने अभी एक्ट देखा, उसमें सेक्शन 5-9 में एडवांस डायरेक्टिव्स की बात करी गई है कि कोई भी मेजर इंसान एडवांस डायरेक्टिव दे सकता है, एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, बट माइनर नहीं कर सकता, उस एक्ट में बोला गया ये बात. तो बेसिकली लिविंग विल की बात इसमें आई, ये भी बोला गया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी. ये आपके कुछ केस लॉस थे अगर आप आर्टिकल 21 को विद रिस्पेक्ट टू राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई पढ़ना चाहते हैं. थैंक यू. क्लैट पॉइंट के और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड. हो गया.